नमस्कार फोर्स बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार में आज सुबह ही एक दुखद समाचार बिहार की राजनीति से निकलकर सामने आया, जहां पे वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता की निर्मम हत्या कर देने की सूचना जो है आज सुबह सुबह मिली और इससे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहरें, साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इस घटना का आरोप मढ़ रहा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के लेकर लगातार जो है सवाल उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कैसे पीछे रह सकते हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है। उन्होंने बताया है सोशल मीडिया एक्स पर, पूछा है कि यदि बिहार में जो है रिटायरमेंट अधिकारी और नेता सरकार चलाएंगे तो हश्र तो यही होने वाला है बिहार का। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वीआईपी के प्रमुख और मेरे बड़े भाई मुकेश सहनी जी के पिता की अपराधियों द्वारा निर्मम हत्या की दुखद खबर सुनकर मैं अस्तबद्ध हूँ। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि इस दुख की घड़ी में परिजनों को जो है दुख सहने की शक्ति एवं जो है दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। प्रदेश में आतंक राज स्थापित हो चुका है। निरंतर कह रहा हूं कि बिहार की डबल इंजन पासवर्ड सरकार में जो है सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित और सत्ता प्रयोजित सरकारी अपराधियों का मनोबल जो है बढ़ चुका है और ये अब काबू में आने वाला नहीं है। जब चाहे जहां चाहे जिसको चाहे जैसे उनकी हत्या कर देते हैं और इसको लेकर जो है सरकार सुन नहीं रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा कि एनडीए सरकार सच्चाई स्वीकार करने के बजाय घिसा पिटा जो है डायलॉग दोहराती है और सुशासन राज है, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों लोग जो है आपराधिक घटनाओं में जो है अकाल मौत मारे जा रहे हैं। हम तो क्राइम बुलेटिन भी जारी कर चुके हैं लेकिन इससे भी सुनने वाले नहीं है। भाजपा की सरकार जो है सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रही है। तेजस्वी यादव ने लिखा कि अहंकार में जो है सरकार कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सरकार जो है ये अहंकारी हो गई है और रिटायर्ड नेता और रिटायर्ड अधिकारी प्रदेश की विधि व्यवस्था संभालेंगे तो हश्र तो यही होगा। आए दिन हत्याएं होगी, आए दिन लूट होगा। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने इंस्टीट्यूट में भी बताया कि हमने बुलेटिन जारी कर दिया है कि बिहार में कितने दिन और कितने दिनों में कितने कितने हत्याएं होती है और आज भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया कि इससे पहले भी हमने बुलेटिन जारी कर दिया है। लेकिन जो है बिहार की डबल इंजन सरकार जो है सच्चाई स्वीकार करने के बजाय जो है अपना पल्ला झाड़ रही है, दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। यदि रिटायरमेंट अधिकारी और रिटायरमेंट वाले नेता सरकार जो है संभालेंगे, सत्ता की बागडोर उनके हाथों में होगी तो हश्र तो यही होगा, यानी कि आए दिन हत्याएं होंगी, चोरी होगा, लूट होगा, यही सब तमाम चीजें होंगी। फिलहाल आप सबकी क्या राय है इस पे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।